कुछ ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करते हैं जबकि कुछ ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाते हैं। क्या है इसके पीछे राज, जानेंगे आज के वीडियो में। इसके पीछे राज है बोयांट फोर्स का। कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में डाला जाता है तो उस पर दो फोर्स लगते हैं। एक फोर्स उसको नीचे खींचता है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा फोर्स उसे ऊपर ढकेलता है, उसे कहा जाता है बोयांट फोर्स। बोयांट फोर्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड की डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा उसका वॉल्यूम होता है और उतना ही ज्यादा बोयांट फोर्स रहेगा। दूसरा फैक्टर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड का मतलब होता है कि लिक्विड कितना डेंस है या कितना पतला है। जैसे वाटर पतला होता है बट हनी डेंस होता है, तो हनी डूब जाता है। हनी के डेंसिटी से आप उसकी प्योरिटी भी चेक कर सकते हो। अगर हनी डूब गया तो वो प्योर है, और अगर वो ऊपर फ्लोट किया इसका मतलब वो एडल्ट्रेटेड है। बोयांट फोर्स एंड वेट में भी एक रिलेशन है। अगर बोयांट फोर्स वेट से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट होता है। अगर बोयांट फोर्स वेट से कम रहेगा तो ऑब्जेक्ट डूब जाता है, और अगर बोयांट फोर्स और वेट दोनों इक्वल रहेंगे तो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर तैरेगा। लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तो उसका बोयांट फोर्स उसके वेट से ज्यादा होता है, जिसके कारण वो पानी के ऊपर तैरेगा। पत्थर जब पानी में डालेंगे तो पत्थर के वेट के कंपैरिजन में बोयांट फोर्स कम होता है, इसीलिए पत्थर पानी में डूब जाता है। आइस जब पानी में डालते हैं तो आइस का वेट और बोयांट फोर्स इक्वल होने के कारण आइस पानी के अंदर तैरता है। अगर हमारी बताई हुई ज्ञान की बातें अभी भी आपके दिमाग में तैर रही है तो हमें फॉलो, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा।